Hello friends, welcome to Gates Measures. The topic is class D and class E in IP addressing. ये जो टॉपिक है ये क्लासफुल एड्रेसिंग में आता है, जहाँ पे हमने आईपी एड्रेसेस को पांच क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई। क्लास ए बी सी के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस वीडियो में हम क्लास डी एंड क्लास ई के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास डी में सबसे पहले बात कर रहे हैं कि यहाँ पे 32 बिट का आईपी एड्रेस जो होता है वो मैंने चार ऑक्टेट्स बनाए हुए हैं। ऑक्टेट मतलब 8-8 बिट के जो है मैंने यहाँ पे चार ऑक्टेट बनाए हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑक्टेट है उसमें मैंने 8 प्लेसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे रेंज। रेंज मतलब कि अगर आपको एक गिवन आईपी एड्रेस दिया हुआ है तो उस आईपी एड्रेस को देख के आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये क्लास डी से बिलोंग करता है या नहीं। और कभी भी अगर आपको किसी भी आईपी एड्रेस का पता लगाना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको सिर्फ पहले ऑक्टेट से ही आप उसको पता लगा सकते हो। तो पहले ऑक्टेट की वैल्यू को ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्लास डी के अंदर जो पहली चार वैल्यूज हैं, दैट इज 1110, मतलब ये जो चार वैल्यूज हैं ये फिक्स है, मतलब ये चार प्लेसेस की जो वैल्यूज है ये फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब 110 को 1110 को आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपको एक आईपी एड्रेस दिया हो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में अगर दिया हो, तो उस आईपी एड्रेस को आप कैसे पता लगा सकते हो कि ये क्लास डी से बिलोंग करता है, आप पहली चार बिट को देख लेना। और ये क्या होती है, प्रीफिक्स होती है। प्रीफिक्स मतलब ये यूनिक है, आपको कोई भी आईपी एड्रेस अलग से नहीं मिलेगा। अगर वो 1110 है, पहली चार बिट अगर ये है, तो ये डेफिनेटली क्लास डी का ही पार्ट है। तो इसीलिए पहली चार बिट को हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यानी मेरे पास बाकी कितनी बिट्स बची, यहाँ पे कितने प्लेसेस बचे, 4 प्लेसेस, 1 2 3 4। इन 4 प्लेसेस में मैं वैल्यूज कैसे डाल सकता हूँ, या तो मिनिमम क्या डाल सकता हूँ, 0000 या फिर 0001, 0010। इस तरीके से लास्ट वैल्यू क्या हो सकती है, 1111, मतलब चारों 1 यहां पे मैक्सिमम हम डाल सकते हैं। अब डोंट फॉरगेट दी प्रीवियस वैल्यूज, दैट इज 1110, बिकॉज जब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो आपको कलेक्टिवली करना है, मतलब इसको ओवरऑल पूरे को उठा के ही आपको कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं इस पूरे को, मतलब 111 followed by 5 zeros, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूं तो ये वैल्यू क्या आती है, 224। मतलब क्लास डी कहां से स्टार्ट होता है, 224 से स्टार्ट होता है। और अगर मैं लास्ट वैल्यू को देखूं, उसके बाद आएगा 225, 226, ये लास्ट वैल्यू की क्या आएगी डेसिमल में कन्वर्जन, 239। मतलब कहने का कि अगर कोई भी आपको आईपी एड्रेस दिया हो और उसमें पहले ऑक्टेट में अगर वैल्यू है 224 से 239 के बीच में, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये क्लास डी से बिलोंग करता है। तो यानी यहां पे कितनी वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज जो है यहां पे 16 वैल्यूज है, मतलब 16 वैल्यूज यहां पे मेरे पास आ रही है इस रेंज में, सिर्फ इस रेंज में यहां पे मैं बात कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे क्या आता है कि जैसा कि हमने क्लास ए, क्लास बी या क्लास सी में हमने बात की थी कि कितने एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है, यहां पे अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ एड्रेसेस, आईपी एड्रेसेस इन क्लास डी, कितने नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस पॉसिबल है, तो आपको कैसे पता लगाओगे, चार बिट तो यहां पे फिक्स ही है, इनको तो छेड़ ही नहीं सकते, बाकी कितनी बिट्स है, 8 और 8 16 और 8 24 25 26 27 28, मतलब 2 raised to power 28, बिकॉज 28 बिट्स यहां पे यूज हो रही है आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि इन वैल्यूज में आप कुछ भी भर सकते हो, 0 या 1 0 या 1 कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, लेकिन ये चार वैल्यूज तो फिक्स है। तो यानी बाकी कितनी वैल्यूज बची, 28। तो टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने हैं, 2 raised to power 28 इन क्लास डी, विच इज नियर अबाउट 6.25% ऑफ द टोटल आईपी एड्रेसेस, जितने भी टोटल आईपी एड्रेसेस हैं उनमें से ये कितनी वैल्यू है, 6.25%। अगर इसको हम जनरली देखें तो ये नियर अबाउट जो है 25 करोड़ के राउंड ये वैल्यू बनती है, अप्रॉक्सीमेट, मतलब ये 500 मिलियन के राउंड ये वैल्यू जो है, सॉरी 250 मिलियन के राउंड ये जो वैल्यू है वो ये बनती है, 250 मिलियन के राउंड ये वैल्यू बनती है। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट होता है कि हम क्लास ए बी सी में हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स एंड नंबर ऑफ
होस्ट, लेकिन यहां पे क्लास डी में कोई नेटवर्क नहीं है, कोई होस्ट नहीं है, बिकॉज ये पूरे के पूरे 2^28 आईपी एड्रेसेस जो है वो रिजर्व कर दिए, मतलब इनको किसी भी नेटवर्क को, मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि मुझे क्लास डी का एड्रेस चाहिए, उसको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये रिजर्व किए हुए हैं, क्यों, मल्टीकास्टिंग के लिए या ग्रुप ब्रॉडकास्टिंग या ग्रुप ईमेलिंग के लिए, मतलब कि अगर कोई ग्रुप्स बने हैं, मतलब कोई ऑनलाइन जैसे कोई रिसर्च से रिलेटेड कोई ग्रुप बना हुआ है, तो वो ग्रुप वाले बंदे जो है वो क्लास डी को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे, इसकी जो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है कि नियर अबाउट यहाँ पे 2^28 विच इज नियर अबाउट 25 करोड़, इतने आई पी एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे वेस्ट जा रहे हैं, बिकॉज ग्रुप्स जो है बहुत ही कम ग्रुप्स है, इतने ग्रुप्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं बने हुए, और वैसे भी जो ये क्लासेस वाला जो कॉन्सेप्ट था, इसी की वजह से, बिकॉज यहाँ पे काफी जो आईपी एड्रेसेस है वो यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं, रिजर्व किए हुए हैं, लेकिन जो डिमांड है वो यूजर्स की बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए जो क्लास फुल एड्रेसिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे जो है वो डिग्रेड होता गया। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, पहले क्लास ई के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे कोई नेटवर्क का फंडा नहीं है, कोई होस्ट का फंडा नहीं है, बिकॉज ये रिजर्व किए हुए हैं पूरे के पूरे 2^28 विच इज नियर अबाउट 250 मिलियन। यहां पे हम बात करें अब क्लास ई के बारे में। क्लास ई में अगर हम बात करें तो क्लास ई में भी हमारे पास जो है वही 8, यहाँ पे 4 ऑक्टेट्स हैं 8-8 बिट्स के, लेकिन जो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशंस हैं, फर्स्ट 4 पोजीशन 1111, मतलब ये 4 पोजीशंस जो है वो फिक्स हैं, आप इनको छेड़ नहीं सकते। तो बाकी की कितनी पोजीशंस बची यहाँ पे मेरे पास, 2, 8, 8, 8, 24 और 4, 28, मतलब यहां पे भी मेरे पास टोटल 2^28 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है क्लास ई के अंदर, जो क्या है नियर अबाउट 6.25% ऑफ द टोटल आईपी एड्रेसेस, बिकॉज ये दोनों की वैल्यूज जो है वो सेम ही है, मतलब यहां पे भी नियर अबाउट 250 मिलियन के राउंड जो वैल्यूज है, मतलब 25 करोड़ के राउंड वैल्यूज यहां पे है, और वही 25 करोड़ के राउंड 250 मिलियन के राउंड वैल्यूज यहां पे है। और प्रॉब्लम क्या है कि क्लास ई के भी जो आईपी एड्रेसेस हैं ये 2^28 विच इज अ वेरी ह्यूज नंबर, वो सारे रिजर्व किए हुए हैं फॉर द मिलिट्री पर्पजेस, मिलिट्री पर्पजेस के लिए जो है ऑलरेडी वो रिजर्व किए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे मैं रेंज की बात करूं तो रेंज के लिए आपको क्या करना है, सिंपल लास्ट की जो, बिकॉज जो कैसे आप पता लगा सकते हो कि ये क्लास ई से बिलोंग करता है कोई भी आईपी एड्रेस, आपको सिर्फ पहले ऑक्टेट पे आना है, पहले ऑक्टेट में 4 वैल्यूज तो ऑलरेडी फिक्स है, इन 4 वैल्यूज में आप चेंज क्या कर सकते हो, या तो 0000, 0001, या वैल्यू क्या हो सकती है 1111, और स्टार्टिंग में 4 वन्स है, इनको आप मत भूलना। तो अगर आप देखो इसको तो ये वैल्यू कितनी बनती है डेसिमल में 240, और ये वैल्यू कितनी बनती है 255, तो यानी रेंज क्या है 240 to 255, मतलब अगर कोई भी आईपी एड्रेस इस रेंज में स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको बस ये पता लगा सकते हो कि ये क्लास ई से बिलोंग करता है। इसमें भी कोई नेटवर्क का फंडा नहीं है, कोई नंबर ऑफ होस्ट नहीं निकालने, बिकॉज जितने भी आईपी एड्रेसेस थे 2^28 सारे के सारे एज इट इज रिजर्व कर दिए मिलिट्री पर्पजेस के लिए, मतलब एक तरह से काइंड ऑफ रिजर्वेशन है, तो यानी वेस्टेज ही है, बिकॉज यूजर्स जो है वो बहुत दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पे ऑलरेडी ह्यूज अमाउंट ऑफ आईपी एड्रेसेस जो है वो रिजर्व कर दिए। इसीलिए 1993 के बाद जो कॉन्सेप्ट आया क्लास लेस एड्रेसिंग का, जो बहुत ही वाइडली यूज हुआ बाद में। तो इसीलिए यहाँ पे अगर जितने भी हमने एग्जाम्पल किए, जितने भी हमने रियल लाइफ में एग्जाम्पल किए, वो एग्जाम्पल जो है वो कहीं ना कहीं ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल जो है वो 1993 से पहले ज़्यादातर यूज होते थे, जब यूजर्स की डिमांड बढ़ने लगी और फ्लेक्सिबिलिटी जब आने लगी तो वहाँ पे मेरे को क्लास लेस पे जाना पड़ा। क्लास लेस के बारे में हम फर्दर बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर देखें, अगर आपको एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, लेट से 239.1.2.3, तो आपसे सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि ये आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है, तो ये आप यहां पे पता लगा सकते हो कि ये क्लास जो है वो क्लास
डी का आईपी एड्रेस है, लेकिन इसमें कितने नेटवर्क है, कितने होस्ट आप पता नहीं लगा सकते। और ऐसे ही अगर आपको कोई आईपी एड्रेस दिया हुआ है 245.0.1.2, तो आपको अगर पूछ ले कि किस क्लास से बिलोंग करता है, तो आपको सिर्फ रेंज चेक करनी है, 245 इसके अंदर आता है इस रेंज में, तो ये क्लास ई का आईपी एड्रेस है, और इसमें भी कोई भी यहाँ पे नेटवर्क और होस्ट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज ये सारे के सारे आईपी एड्रेस जो है, विच इज टोटल अगर इनको मैं देखूं, ये टोटल है नियर अबाउट 500 मिलियन के राउंड ये वैल्यू है, और ये सारे के सारे आईपी एड्रेस जो है वो रिजर्व कर दिए उन्होंने एज इट इज। तो इसीलिए जो है मतलब 50 करोड़ के राउंड 50 करोड़ आईपी एड्रेस जो है वो रिजर्व कर दिए, तो इसीलिए ये वैल्यू जो है वो काफी मैटर करती है, और ये वैल्यूज जो है वो उन्होंने रिजर्व कर दी। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लास डी एंड ई। थैंक यू।